Hey, what's up guys? मैं शाहरुख और आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि आप एक स्मूथ स्लाइड बार कैसे बना सकते हैं। देखिए, जो मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि स्लाइड बार आप कैसे बना सकते हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का आप अच्छे से देख सकते हैं। और आज दिखाऊंगा कि आप इस टाइप का जो स्लाइड बार होता है, मतलब जो स्टूडियो पर ऐप बनाते हैं इस टाइप का, देखिए कितना स्मूथ है, इस टाइप का स्लाइड बार आप कैसे लगा सकते हैं अपने ऐप पर। तो देखिए, ये हो गया है स्टूडियो का स्लाइड बार। इसके बाद हम जाएंगे एडसेंस, देखिए इसका भी कितना स्मूथ है, कितना मतलब बहुत स्मूथ होता है यहाँ देखिए। और जो हमने थंकबल पर बनाते हैं तो इस टाइप का स्लाइड बार होते हैं, यहाँ क्लिक करने से कभी कभी नहीं आते हैं, देखिए नहीं आ रहा है, तो अब आ गया है देखिए। इसके बाद हम इसे स्वीप करेंगे तो नहीं जाते, यहाँ क्लिक करेंगे तो चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से स्लाइड करेंगे तो आ गया, तो इसे नहीं होता है। और देखिए इतना स्मूथ नहीं है ये वाला, और जो स्टूडियो पर जो हम बनाते हैं देखिए कितना स्मूथ है, ठीक है। देखिए थोड़ा स्लाइड करेंगे तो थोड़ा आ गए। तो इस टाइप का आप कैसे बना सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। आपको जो मैंने पहले ट्यूटोरियल पर बताया था कि आप कैसे बना सकते हैं, उस वीडियो का देखिए सेम है, लेकिन इसके लिए जो एक्सटेंशन है वर्जन 2 वाला यूज़ करना होगा। और एक चीज़ को आपको देना होगा कि कहाँ पर आप कहाँ पर आप स्लाइड बार लगाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको डेस्कटॉप पर जाके दिखा देता हूँ कि कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये वाला जो वर्जन 2 जो स्लाइड बार है, इसका डेवलपर का नाम है देखिए एंड्रेस डेनियल कोट्स। तो उसने मुझे बताया था कि उसके साथ मैंने मैसेज किया, तो उन्होंने बताया कि यू कैन मेक ए वीडियो ऑफ द स्लाइड बार वर्जन 2, मतलब जो स्लाइड बार का वर्जन 2 है उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना सकता हूँ। लेकिन मैंने यस सर, मैंने बोल दिया कि हाँ सर मैं बना दूंगा। तो देखिए इसका बहुत सारा एक्सटेंशन है, यहाँ जो स्लाइड बार है वो भी इसने ही बनाया था, और ये वाला स्लाइड बार वर्जन 2 यही बना है। अब वहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या मेरा गूगल ड्राइव से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आते हैं यहाँ, देखिए ये हो गया है वर्जन 2 के लिए, देखिए स्लाइड बार V2 मतलब वर्जन 2। ये जब इंपोर्ट कर लेंगे, पहला वाला में क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला टोटल आप देख सकते हैं, देखिए इस पर है लिस्ट टर्म आइकॉन इमेजन, ठीक है। और नया वाला में वर्जन 2 में लिस्ट टर्म आइकॉन्स इमेजन, और ऊपर है इनपुट मतलब कहाँ पर होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ क्या लिया है, फुल जो डिस्प्ले होता है इस पर एक अरेंजमेंट ले लिया वर्टिकल अरेंजमेंट, और यहाँ वो लगा दिया है वर्टिकल अरेंजमेंट, इतना ही। और बाकी सारा जो वर्जन 1 के साथ सेम ही है। तो मैं दिखा देता हूँ कि ये वाला जो हमारा था, मैंने एक टोटल बनाया था वो आप देख सकते हैं यहाँ, इसको आप कैसे कर सकते हैं। देखिए लेआउट पर जाना होगा आपको, वर्टिकल अरेंजमेंट ऊपर ले जाना होगा, और इसके बाद हाइट वेट को ऑटोमेटिक फिल पेरेंट, देखिए फिल पेरेंट हो गया है, और इसको आप अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ आ जाएगा, यह आपको देना होगा, यहाँ आ जाएगा जब देखिए यह है ना इनपुट 2, तो इनपुट यहाँ आप दे सकते हैं कि वाला वर्टिकल अरेंजमेंट दे देना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको वीडियो अच्छा लग सकता है, मतलब ये वाला जो एक्सटेंशन है वो आपको पसंद आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।